वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम नीलम पंजाबी एंड आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैं एक्चुअली ये व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, अभी शाम हो रखी है, एक्चुअली रात ही होने वाली है और आप देख सकते हैं पीछे अंधेरा हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग आउट विथ माई हस्बैंड टू रन अ फ्यू एरेंड्स एंड या आई जस्ट थॉट कि मैं व्लॉग कर लेती हूँ एंड मैं कल के दिन भी कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज आज ही अगर मैं करूँगी तो बहुत छोटा बन जाएगा व्लॉग। सो इट जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक डेली व्लॉग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, वेरी घर का काम रिलेटेड। So yeah, let's get started. So this is what I'm wearing a very basic t-shirt with my denims and this jhola bag that I got from H&M. Okay, we are out and about. So oh, by the way, me and my husband were wearing matching t-shirts. Also, this is a very busy street. I'm sorry if you guys cannot hear me, but abhi hum sabse pehle चेक करने जा रहे हैं लाइट्स। हमें क्या चाहिए? सीलिंग लाइट्स। या वी वांट सीलिंग लाइट्स, तो हम सबसे पहले वो देखने जा रहे हैं एंड फिर वहां से देखते हैं और क्या क्या काम करना है हमें, लाइक अ फ्यू एरेंड्स हियर एंड देयर, ज़ेरॉक्स वगैरह लेना है एंड एक दो सामान और खरीदना है। और फिटिंग करके देते हो ना भाई, क्योंकि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रिशियन प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी जो चार्जेस रहेगा आप उसे दे देना। ठीक, मैं आपको डायरेक्टली नंबर दे देता हूँ, मैं उसको बता देता हूँ कि क्लाइंट मेरे पास है, बाकी आप जो चार्जेस का आप डायरेक्टली बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं कितना लेते हैं। Just visited a really cute art and not an art and craft store, it was like a gift store and I found everything very cute over there and Nishant was not really getting me along with him because usne pehle hi jab mujhe bol diya tha tu mere sath chalegi to aur kharcha kara degi mera, eventually wahi hua. By the way, I want to tell you this, since I'm vlogging I want to say this on the camera. Since I was planning your birthday, like I still am planning your birthday, so I just had thought in my head ki, you know, just to like bring in your birthday, I will do something really small and cute on the 1st of October, like as a birthday month surprise. But then I was sick and I couldn't do anything and even you were at home. I'm disclosing it to you right now that this is what I had planned. What are your thoughts? Very nice, but it didn't happen. What's up? So this is actually much later that I'm vlogging. मैंने उस दिन पे vlog continue नहीं किया because actually हमने ज़्यादा कुछ आके किया भी नहीं था घर पे. We just had some dinner and we slept. And actually मुझे ना काफ़ी सारी कुछ बातें करनी थी, काफ़ी कुछ clear out करना था, काफ़ी कुछ update देना था and काफ़ी कुछ बताना था. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले. इट्स गोइंग टू बी अ नाइस लॉन्ग चैटी सेशन फ्रॉम नाउ. पहले तो सबसे ये बताना था कि मैंने मेरे बर्थडे के बाद क्यों नहीं कुछ भी अपलोड किया अपने चैनल पे. दैट्स बिकॉज मैं आई थिंक 15 दिन एट अ स्ट्रेच बीमार थी. मुझे वायरल हो गया था, अभी मैंने जस्ट रिकवर किया. मेरे बर्थडे पे भी मुझे वायरल ही था एंड मेरी आवाज़ भी चली गई थी उस टाइम पे. मैं थोड़ा एक दो दिन ठीक हुई, या आई थिंक 3-4 दिन ठीक हुई एंड फिर मुझे वापस वायरल हो गया. एंड वो 3-4 दिनों में भी आई थिंक मुझे मेरे इंटरनल बॉडी इश्यूज़, लाइक आई वॉज नॉट, लाइक मेरी बॉडी ने रिकवर नहीं किया था तब तक भी. और मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं फ़ोन वगैरह भी नहीं यूज़ कर रही थी, कुछ भी नहीं करी थी. मैं लिटरली अपने बेड पर थी, सारा दिन वहीं पर रहती थी एंड इट वॉज़ रियली बैड फॉर मी. सो
मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, कुछ भी फिल्म नहीं किया, कुछ भी अपलोड नहीं किया. आई वॉज जस्ट लाइक टेकिंग सम रेस्ट. लाइक आई रियली नीडेड इट. दैट डिटॉक्स वॉज मच नीडेड. बट एनी वे अभी काफ़ी कुछ हो रहा है लाइफ में एंड काफ़ी कुछ होने भी वाला है. इस व्लॉग के बाद आई थिंक लगातार बैक टू बैक दे गोन बी लाइक टू मोर व्लॉग्स. एक होम मेकओवर रिलेटेड व्लॉग होगा और एक मेरे हस्बैंड का बर्थडे, निशांत का बर्थडे व्लॉग होगा. आई हैव प्लान्ड आउट हिज बर्थडे. इट्स अ कम्प्लीट सरप्राइज फॉर हिम. आई डोंट नो अगर बहुत लोगों को पता है, नहीं पता है, वी लिव इन अ रेंटेड हाउस लाइक मी एंड माई हस्बैंड. एंड क्योंकि हमें एक साल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है अभी यहाँ पे, एंड हम सोच रहे थे कि वी वॉन्ट टू लाइक मूव आउट और समथिंग लाइक दैट बिकॉज द प्लेस वी आर लिविंग इन इज वेरी एक्सपेंसिव. सो वी लिव इन अ 1 BHK अपार्टमेंट एंड द रेंट ओवर हियर इज रियली एक्सपेंसिव बिकॉज वी लिव लाइक इन अ प्राइम लोकेशन. सो वी वर थिंकिंग कि हम शिफ्ट हो जाते हैं या कोई ऐसी मतलब आसपास में ही कोई ऐसा घर देख लेते हैं जिसका रेंट थोड़ा थोड़ा कम हो इससे एटलीस्ट. बट वी जस्ट थॉट कि दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड लाइक अभी तो हम सेटल हुए थे एंड अभी फिर से शिफ्ट करना एंड ऑल दैट डिड नॉट मेक सेंस टू अस. सो वी हैव डिसाइडेड टू लाइक लिव हियर फॉर अनदर ईयर और सो. तो हम अभी अग्रीमेंट अपना लीज चेंज कराने वाले हैं. चेंज नहीं, रिन्यू बोलते हैं राइट. तो वो कराने वाले हैं. एंड बिकॉज हम ये करने वाले हैं, हम यहीं पे रहने वाले हैं, आई रियली वॉन्टेड टू लाइक गिव लाइक अ मेक ओवर टू दिस हाउस. नथिंग मेजर बट ऑल्सो बिकॉज क्योंकि दिवाली भी आने वाली है तो मुझे ऐसे था कि आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक स्पाइस थिंग्स अप अ लिटिल बिट. इसीलिए मैं मेक ओवर का व्लॉग तो डेफिनेटली करने वाली हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो हैव अनदर थिंग टू शेयर विथ यू गाइज विच इज आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड लाइक पेंटिंग. आई डोंट नो मुझे भूत कब सवार हुआ, कैसे सवार हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं. मैंने लाइफ में कभी भी आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. आई वॉज गुड एट इट बट आई वॉज नेवर रियली इंटरेस्टेड इन इट. एंड पेंटिंग तो दूर दूर तक मैंने कभी नहीं करी. इवन व्हेन आई वॉज इन स्कूल मैंने कभी भी पेंटिंग नहीं किया फॉर सम रीजन. तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू वॉट ऑल आई हैव पेंटेड. सो आई थिंक आई हैव लाइक 6 मिनी कैनवसेज ओवर हियर. दिस इज द फर्स्ट वन. आई थिंक इट्स रियली क्यूट. सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा. बट एनी वे मैंने ऐसे मिनी वाले और कैनवसेज मंगा के रखे हैं अमेजोन से. एंड आई एम प्लानिंग कि ये जो मेरी आर्टिस्ट्री है वो मैं कहीं ना कहीं अपने घर में यूज करूँ. तो वो मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ उस मेक ओवर में. ऑल्सो इफ यू सी मी आई टोटली फॉरगॉट. आप लोग को लग रहा है अचानक से मैं मेकअप थोप के कहाँ से आ गई हूँ. मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स फिल्म कर रही थी शाम में एंड वो मैंने ऑलरेडी फिल्म करके एडिट करके आज ही अपलोड पर भी डाल दिया है. तो वो ऑलरेडी लाइव हो चुकी है. अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लो. मैंने अभी से आई थिंक मैं थोड़ा फेस्टिव कंटेंट डालना चालू करने वाली हूँ. मैंने नवरात्रि का कुछ नहीं डाला बिकॉज लाइक आई सेड मैं बीमार थी. उसके अलावा लाइक हम नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं करते. लाइक इवन दो आई एम अ सिंधी, मेरे मॉम डैड नवरात्रि मानते हैं. वो भी मानना करना होता है कि नॉनवेज नहीं खाना एंड बाल नहीं काटना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स वो लोग फॉलो करते हैं. बट मैंने कभी फॉलो नहीं किया बिकॉज आई जस्ट फील लाइक मैं ये सब चीज़ों में इतना मानती नहीं. मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब करना डज नॉट रियली मेक सेंस. तो मैं वो सब नहीं करती. एंड इवन दो लाइक आई मैरिड अ गुज्जू तो मुझे टेक्निकली नवरात्रि फॉलो करनी चाहिए. बट इट्स जस्ट दैट कि आई हैव नेवर बिलीव्ड इन फॉलोइंग दीज लाइक ट्रेडिशंस. सो आई डोंट डू इट. ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में नहीं मानती हूँ क्या. मैं डेफिनेटली भगवान में मानती हूँ. जस्ट दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल से जो चीज़ करती हूँ वो करती हूँ. अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती बोले करने को तो मुझसे नहीं होता. आई डोंट बिलीव इन लाइक गोइंग टू टेम्पल्स एंड उपवास रखना एंड वो सब. मुझे बिलीव नहीं होता वो सब चीज़ों में. एंड मैं मतलब ऐसे है कि मतलब देयर सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स दैट्स ब्लेसिंग अस एंड गाइडिंग अस एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. एंड ऑफ कोर्स देयर इज गॉड. एनीवे मैं कहाँ से कहीं टॉपिक लेके चली गई. बट
आई थिंक दिस इज एट फॉर द व्लॉग. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस. काफी डिफरेंस सा व्लॉग था, मैंने ऐसे बकबका व्लॉग तो कभी नहीं किया है. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.